नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप मेरे साथ देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास और चुनिंदा खबरें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का विस्तार करने के लिए निकल चुकी है। गोवा के बाद अब उनकी नजर महाराष्ट्र पर है। इसकी शुरुआत उन्होंने जय मराठा जय बांग्ला के साथ कर दी है। तो शिवारा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को धर दबोचा है जो दुबई में कारोबारी होने का झूठा दावा कर महिलाओं को झांसे में लेता था और उनके साथ संबंध बनाकर गायब हो जाता था। इसी बीच मुंबई में मानसूनी बीमारियों से निपटने के लिए दवाएं एवं जांच की खरीदारी से जुड़ी फाइल महापौर कार्यालय से गायब होने का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा ने इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की गुहार लगाई है। उधर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का नया प्रोमो विवादों में आ गया है। हालांकि आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा मायानगरी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। HIV मरीजों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश भर के इन 5 बड़ी खबरों से विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुंबई में दाखिल होते ही सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बाप्पा के दर्शन किए और ठाकरे सरकार का धन्यवाद भी अदा किया। इस दौरान दीदी ने जय मराठा जय बंगला का नारा भी दिया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दीदी इस नारे से महाराष्ट्र को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज हैं। इस थर्ड फ्रंट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बिहार में RJD और कांग्रेस समेत अन्य BJP विरोधी दल शामिल हो सकते हैं। हालांकि रहा आसान नहीं, पर बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी जोश में हैं। उन्होंने अब दिल्ली चलो का नारा दिया है। 2024 आम चुनाव में खुद को नरेंद्र मोदी के मुख्य चैलेंजर के रूप में पेश करने के लिए ममता बनर्जी ने हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई CIC चालें चली हैं। नॉर्थ ईस्ट, गोवा, बिहार सहित कई राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ाई। TMC के दिल्ली विस्तार योजना के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की रणनीति मानी जा रही है। बहरहाल राजनीतिक रणनीतिकारों की नजर ममता के इस दौरे पर लगी है। सुगबुगाहट का इंतजार किया जा रहा है। ओशिवारा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दुबई में कारोबारी होने का झूठा दावा कर महिलाओं से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करता था। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद उनके सामने वह शादी का प्रस्ताव रखता और फिर उनके साथ संबंध बनाकर गायब हो जाता था। आरोप है कि इस तरह से आरोपी ने एक दर्जन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा वह इन महिलाओं के साथ ठगी भी करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी मुंबई के एक कार शोरूम में काम करता था। कार दिखाने के बहाने वह शोरूम में आने वाली महिलाओं से बातचीत कर दोस्ती कर लेता था। जो महिलाएं उसके झांसे में नहीं आती उनका मोबाइल नंबर लेकर किसी तरह सोशल मीडिया अकाउंट हासिल कर लेता। इसके बाद वह उन महिलाओं के साथ दुबई का एक बड़े कारोबारी बनकर बात करता और उन्हें जाल में फंसा कर इम्प्रेस करता था। कुछ समय बाद जब महिलाएं आरोपी के साथ खुलकर बात करने लगती तो वह शादी का प्रस्ताव रखता। शादी के लिए हाँ कहने पर वह उसके साथ संबंध बनाता। इसके अलावा वह कारोबार के बहाने उन महिलाओं से उधार भी लेता था। पुलिस के अनुसार आरोपी साल भर से फरार था। हाल ही में एक मॉडल ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया गया। मुंबई में मानसूनी बीमारियों से निपटने के लिए दवाएं एवं जांच किट खरीदारी से जुड़ी फाइल महापौर कार्यालय से गायब होने का मुद्दा गर्मा गया है। इस मामले में भ्रष्टाचार होने का मुद्दा उठाते हुए भाजपा इस मामले की जांच करवाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय पहुंच गई है। इस आशय का पत्र भी भाजपा ने ACP के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ को दिया है। बता दें कि मानसूनी बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयों की खरीदारी का प्रस्ताव वर्ष 2019 में तैयार किया गया था। 53 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए महापौर कार्यालय भेजा गया था। BMC में भाजपा गुट नेता विनोद मिश्रा ने बताया कि कई महीनों तक महापौर के हस्ताक्षर के लिए उक्त फाइल महापौर कार्यालय में पड़ी रही और फिर फाइल अचानक गायब हो गई। फाइल गायब होने से दवाओं की खरीदारी नहीं हो पाने से मानसूनी बीमारियों से प्रस्ताव मरीजों को दवा व जांच के लिए प्राइवेट लैब और निजी मेडिकल स्टोर्स पर निर्भर रहना पड़ा। विनोद मिश्रा ने बताया कि डुप्लीकेट पेपर के आधार पर प्रशासन ने उक्त प्रस्ताव मंजूरी के लिए स्थायी समिति के पास पेश भी किया था, लेकिन स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने प्रशासन के पास प्रस्ताव वापस सिर्फ इसीलिए भेज दिया कि उक्त प्रस्ताव में फाइल महापौर के कार्यालय से गायब होने का उल्लेख था। विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है।
कौन बनेगा करोड़पति 13 ने एक नया प्रोमो जारी किया था, मगर अब इस प्रोमो को चैनल ने हटा दिया है। इस प्रोमो में शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। फिर वह लड़की दावा करती है कि वो किताब को सूंघकर ही उसे पूरा पढ़ सकती है। जैसे ही यह प्रोमो ऑन एयर हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र नायक ने आपत्ति जताई, चैनल को इस प्रोमो के संबंध में खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आमतौर पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन का इस्तेमाल बच्चों के माँ बाप को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है, लिहाजा इस तरह की चीजों को किसी नेशनल टीवी पर बढ़ावा देना सही नहीं है। जैसे ही नरेंद्र नायक द्वारा लिखा गया खुला पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ, चैनल ने एपिसोड के इस खास हिस्से को हटा लिया। पत्र में नरेंद्र नायक ने लिखा कि उस लड़की का किताब को सूंघ कर पढ़ना सिर्फ एक स्कैम है। पहले ही कई साइंटिस्ट इस तरह के अभ्यास को निराधार बता चुके हैं। ऐसा सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही किया जाता है। नरेंद्र नायक मैंगलोर के रहने वाले हैं और वो अक्सर समाज में से भ्रामक चीजों के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि इससे ऐसे लोगों के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा जो बच्चों के दिमागी शक्ति को बढ़ाने का दावा करते हैं। आज विश्व एड्स दिवस पर माया नगरी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी से मिले आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में महानगर में कुल 6,772 नए एचआईवी के मरीज पंजीकृत हुए थे, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर 2,063 रह गया। गुजरा वर्ष कोरोना में बीतने से टेस्टिंग प्रभावित हुई थी, इसलिए नए मामले कम मिले थे। इस आर्थिक वर्ष में टेस्टिंग सामान्य रही, लेकिन मामले कम मिले। एड्स के प्रति चलाई जा रही जनजागृति का असर गर्भवती महिलाओं पर हो रहा है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं के एचआईवी संक्रमित होने का प्रमाण कम हो गया है। वर्ष 2019-20 में गर्भवती महिलाओं के एचआईवी संक्रमित होने का प्रमाण 144% था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 49% तक पहुंच गया। जानकारों के मुताबिक एचआईवी का सबसे बड़ा कारण असुरक्षित यौन संबंध है। सोसाइटी के अनुसार इस वर्ष पंजीकृत हुए कुल 1659 मामलों में से 94.6% लोग असुरक्षित यौन संबंध के कारण एचआईवी का शिकार हुए थे। संक्रमित माताओं के जरिए उनके बच्चों में एड्स फैलने के 2.4% मामले थे। बहरहाल भ्रांतियां टूट रही हैं। एड्स की जांच को लेकर लोगों के नकारात्मक रवैये में बदलाव आ रहा है। लोग झिझक छोड़ अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जाते जाते साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर की पहली तारीख को एक साथ कई परेशानियां आ खड़ी हुई है, कहीं व्यक्तिगत तो कहीं सामाजिक और कहीं आर्थिक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर ने आरोप लगाया है कि उसे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करना भारी पड़ा है, इससे उसका अवार्ड वापस मांगा जा रहा है। तो मौसम के भी तेवर कुछ ठीक नहीं है। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इसी बीच आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से एक चक्रवाती तूफान टकराने की आशंका भी जताई है। इसके अलावा दिसंबर के पहले ही दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। एक साथ कई स्तरों पर परिवर्तन हुआ है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, तो माचिस के दाम बढ़ गए हैं। उधर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिस अफसरों के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा अफसरों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किसान आंदोलन का अपडेट यह है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की आज बैठक बुलाई गई है। सिंघू बॉर्डर पर अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 मार्च को होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। देश के इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। क्या प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर परेशानी हो सकती है? यह सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर ने आरोप लगाया है कि उसे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करना भारी पड़ा है। दानिश ने कहा कि पीएम की तारीफ करने के बाद से ही मेरे साथ एमयू में गलत व्यवहार शुरू हो गया था। उसके अनुसार पीएचडी की डिग्री 9 मार्च 2021 को अवार्ड हुई। उसकी साथी मारिया नईम को नवम्बर 2020 में पीएचडी अवार्ड हो गई थी। पीएचडी मिलने के 6 महीने गुजर जाने के बाद 4 अगस्त 2021 को पत्र मिला कि जो डिग्री हम दोनों को दी गई है वह गलत है।
दोनों बुरी तरह परेशान हुए क्योंकि यह जिंदगी से जुड़ा मामला था। बाद में उन्हें याद आया कि 22 दिसंबर 2020 को उन्होंने देश के पीएम की तारीफ की थी, मीडिया में इंटरव्यू भी चला था। 8 फरवरी को वाइवा था, इसके 2-3 दिन पहले चेयरमैन ने बुलाया और दानिश से कहा कि तुम एक छात्र हो, तुम्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में इस तरह से खुलकर नहीं बोलना चाहिए था, तुम ऐसे बोल रहे थे जैसे राइट विंग के आदमी हो। बाद में उन्हें डिग्री मिली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह गलत है। मजबूर होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वही एमयू के प्रवक्ता शेफी किडवे ने कहा कि आरोप पूरी तरह निराधार है। दानिश को एलएम में पीएचडी की डिग्री मिलनी चाहिए थी, गलती से भाषा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री दे दी गई, इसलिए डिग्री बदलने को कहा गया है। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इसी बीच आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से एक चक्रवर्ती तूफान के टकराने की आशंका भी जताई है। इस कारण पहले से ही बारिश और बाढ़ से प्रभावित पूर्वी तट पर और अधिक बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को दक्षिण थाईलैंड और पड़ोस में कम दबाव बना हुआ था और बुधवार तड़के तक अंडमान सागर में उभरने की संभावना है। इसके बाद इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में केंद्रित होने और बाद के 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और तेज होने और 4 दिसंबर की सुबह के आसपास उत्तर आंध्र प्रदेश उड़ीसा तटों तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन के भीतर कुछ हिस्सों में बारिश के आसार जताए गए हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में हिमपात की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराइल, केरल, माहे और लक्षद्वीप क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दिसंबर के पहले ही दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। एक साथ कई स्तरों पर परिवर्तन हुआ है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से अधिक का इजाफा किया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। राहत की बात यह है कि सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन माचिस के दाम में 1 रुपए बढ़ गए हैं। करीब 14 साल बाद कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब सालाना ब्याज दर 2.90% से घटकर 2.80% हो गई है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू हो गई है। इसके अलावा अब 50 रुपए से अधिक के मोबाइल रिचार्ज पर आपको 1-2 रुपए प्रोसेसिंग फीस देना होगा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी झटका दिया है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह बुरी खबर है। अब हर खरीदारी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा, यह प्रोसेसिंग चार्ज होगा। कुल मिलाकर महंगाई में और तड़का लगने वाला है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन बाद में जो जवान सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात थे उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो 7 पुलिस अफसरों के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के DGP ने कहा कि राज्य के 5,000 पुलिस कर्मियों के एंटीजन टेस्ट में अब तक कुल 18 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ पहुँचे थे। पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। बाद में राष्ट्रपति पतंजलि के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी।
और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अब अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से खलबली मच गई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इन अधिकारियों को एहतियातन क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टरों की टीम पल पल पर नजर रख रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की आज बैठक बुलाई गई है। सिंघू बॉर्डर पर अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 मार्च को होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि आज 32 किसान संगठन और वे लोग जो सरकार के साथ बातचीत के लिए जाते थे, उनकी बैठक बुलाई गई है। गलती से घोषणा हो गई कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है। हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज मामले, MSP की कमेटी के मुद्दे पर चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 50 से 55,000 मुकदमे जो आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं, वे वापस लिए जाए, MSP गारंटी कानून बने, जिन किसानों ने जान गवाई है उन्हें मुआवजा मिले, जो ट्रैक्टर बंद है उन्हें ट्रैक्टर दिए जाए। अब ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 तारीख को है और आज से 32 किसान संगठनों की बैठक है। इस बीच पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने वापसी की तैयारी की खबरों को सिरे से नकार दिया है। लगातार दूसरे दिन कुंडली बॉर्डर पर बैठक कर जत्थेबंदियों ने साफ किया है कि वह घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन अधूरी मांगों के साथ नहीं जाएंगे, यही डटे रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहां की आर्मी को आड़े हाथ लिया है। पीठ ने स्पष्ट कहा कि आर्मी का काम मुल्क की हिफाजत करना है, न कि बिजनेस करना। सरकारी जमीन पर धंधा बर्दाश्त नहीं। उधर अमेरिका के मिशिगन के एक हाई स्कूल में 15 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जी हां, घटना में 3 अन्य छात्रों की मौत हो गई, जबकि 8 छात्र जख्मी हो गए। इसी बीच प्रमुख सर्च इंजन साइट गूगल की सर्विस में भारी दिक्कतें आ रही है। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट डाउन डिटेक्टर ने भी गूगल के ठप होने की पुष्टि की है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की एक पंडित लूसी सिगबान ने हिंदू देवता भगवान विष्णु के बारे में अहम किताब लिखी है। यह किताब न केवल हिंदुओं को बल्कि अन्य धार्मिक समुदायों के बीच भी पसंद की जा रही है। इसके अलावा समाजवादी कार्यकर्ता के मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ एक FIR लिखवाई है। फेसबुक पर बने एक पेज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर शिकायत की गई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन में दूसरी बार ताकतवर फौज को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की बेंच ने कहा कि आपको सरकारी जमीन रक्षा उद्देश्य से दी गई है, अगर इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए हो रहा है तो यह मंजूर नहीं किया जा सकता। आर्मी यह जमीन सरकार को वापस कर दे। आर्मी का काम मुल्क की हिफाजत करना है, न कि बिजनेस करना। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव को तलब कर कहा था कि वो लिखित में ये बताए कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दी गई जमीन पर शादी हॉल और मूवी थिएटर क्यों और किसकी मंजूरी से बनाए जा रहे हैं। बेंच के सामने डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल पेश हुए। बेंच ने उनसे कहा कि आपको सरकारी जमीन इसलिए दी गई थी ताकि इसका इस्तेमाल आप सैन्य कार्यों के लिए करें। आप वहां सिनेमा हॉल, शादी हॉल, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं। यह कारोबार नहीं तो और क्या है? कराची हो या कोई दूसरा कंटोनमेंट एरिया, आपने हर जगह यही किया है। फौज का काम सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करना है। आप लोग तो खुलेआम कारोबार कर रहे हैं और इसके लिए किसी तरह की मंजूरी लेना भी शान के खिलाफ समझते हैं। आपके कई अफसरों ने सरकारी जमीन पर घर बनाकर उन्हें लाखों रुपए में बेच दिया। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि हम आपको पूरी रिपोर्ट और फोटोज देना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल इसे तैयार कर रहे हैं। 4 हफ्ते में रिपोर्ट आपके सामने रखी जाएगी। इस पर कोर्ट ने 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। अमेरिका के मिशिगन के एक हाई स्कूल में 15 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। घटना में 3 अन्य छात्रों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 8 छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने 15 साल के हमलावर छात्र को हिरासत में ले लिया है जो उस स्कूल में पढ़ता था। उसके पास से पुलिस ने एक हैंडगन भी जब्त की है। पहले का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। अधिकारियों ने स्कूल में कई खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। यह माना कि लगभग 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गई है। ऑकलैंड काउंटी अंडर शरीफ माइकल जी मैकेबी के मुताबिक मारे गए तीन छात्रों में एक 16 वर्षीय लड़का, एक 14 वर्षीय लड़की और एक 17 वर्षीय लड़की शामिल है। माइकेबे ने कहा कि 8 अन्य लोगों को गोली लगी है जिनमें से एक शिक्षक भी है। इनमें से 6 लोगों की हालत स्थिर है। यह इस साल अब तक की सबसे घातक स्कूल शूटिंग थी। आंकड़ों के अनुसार मंगलवार की घटना से पहले 2021 में संयुक्त राज्य भर के स्कूलों में 138 गोलीबारी हुई थी। उन घटनाओं में 26 मौतें हुई पर हर बार 2 से अधिक मौतें नहीं हुई। बता दें कि अमरीकी इतिहास में सबसे घातक स्कूल गोलीबारी अप्रैल 2007 में वर्जीनिया के ब्लैक्सबर्ग में वर्जीनिया टेक पर हमला था। इसमें शूटर सहित 33 लोग मारे गए थे। प्रमुख सर्च इंजन साइट गूगल की सर्विस में आज यानी 1 दिसंबर को दिक्कतें आ रही हैं। कई यूजर्स गूगल पर सर्च नहीं कर पा रहे और कईयों के गूगल न्यूज की फीड अपडेट ही नहीं हो रही। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट डाउन डिटेक्टर ने भी गूगल के ठप होने की पुष्टि की है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक गूगल की सर्विस में दिक्कत 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे से ही हो रही है। समस्याएं डेस्कटॉप के साथ मोबाइल एप्स पर भी आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की कुल 6 सेवाओं में शिकायतें आई। जीमेल, ड्राइव और यूट्यूब के अलावा गूगल मीट, गूगल वॉइस और गूगल डॉक्स पर भी कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना किया जा रहा है। कुछ यूजर्स यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करने में कुछ तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यूजर्स के लिए जीमेल डाउन है। बताया जा रहा है कि जीमेल पर एक्टिव यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से सर्विस डाउन हो गया है। बीते कुछ दिनों से ऐसा कई बार हुआ है जब लोग जीमेल में फाइल अटैच करने पर दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कई शिकायत में कहा गया कि 19 अगस्त से ही जीमेल पर फाइल अटैच नहीं हो रही। यह बार बार जम कर रही है और फिर से अटैच होने लगती है। दक्षिण अफ्रीका की एक पंडित लूसी सिगवान ने हिंदू देवता भगवान विष्णु के बारे में अहम किताब लिखी है। यह किताब न केवल हिंदुओं बल्कि अन्य धार्मिक समुदायों के बीच भी पसंद की जा रही है। इस किताब में विष्णु के 1000 नामों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है ताकि इसे दक्षिण अफ्रीकी लोगों और विशेष रूप से उन हिंदू युवाओं के लिए सुलभ बनाया जा सके जो हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ सकते। सिगवान ने अपने जीवन की घटना से प्रेरित होकर विष्णु 1000 नेम्स नामक किताब लिखी है। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का 7 साल तक अध्ययन किया और फिर दूसरों के साथ अपने विचार साझा करने का फैसला किया। सिगवान ने कहा कि 2005 में मेरी स्थिति बहुत खराब थी। उस समय में 1 साल से ज्यादा समय से बिना नौकरी के थी। मेरी कार को बैंक ने वापस ले लिया था। यह बहुत कठिन समय था। कुछ लोगों ने कहा कि कठिन समय में किसी को ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा से जीवन की चुनौतियों को कम किया जा सकता है। मैंने इसे ही ध्येय बना लिया। परिस्थितियां बदली और आज लोगों की सहायता करने में सक्षम हूँ। वह विभिन्न पूजाओं से लेकर हिंदू रीति रिवाज से शादियां और अंत्येष्टि भी करवाती हैं। फेसबुक पर बने एक पेज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में एक समाजवादी कार्यकर्ता ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। कनौज के ठटिया थाने में आईटी एक्ट की धारा में लिखी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे फोटो और वीडियो से समाजवादी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। एफआईआर कोर्ट आदेश पर हुई है। एफआईआर के अनुसार अमित यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। फेसबुक पर बुआ बबुआ नाम के पेज पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, गाली गलौज भी होती है, कार्टूनों के जरिए फालतू बातें की जा रही हैं। पेज के संचालन में 49 यूजर शामिल हैं जिनके जरिए सपा पार्टी और प्रमुख की इमेज को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। इस पेज पर जारी फोटो और वीडियो से सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि इससे अखिलेश और समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फेसबुक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने भारत और पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे और कई बातें कही। कनौज के ठटिया थाने के प्रभारी ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है, तकनीकी विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है।
तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।